मैं हूं वेलनेस कोच डॉक्टर पंकज फिलावासी। मेरे से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, लीवर डिटॉक्स करना ही क्यों है और उससे फायदा होगा क्या? यंगस्टर स्पेशली 2-4 महीने लगातार पार्टियां करते हैं, डेली ड्रिंक, डेली पिज्जा, डेली जंक फूड और कुछ ना कुछ मुझे ना हो जाए, ऐसा मेरे से पूछते हैं। अब मैं लीवर क्लीनिंग करना चाहता हूं और वो डाइट ज्यादा यूज क्या करते हैं और वो फैंसी डाइटिशियन जो ज्यादातर बताते हैं, ज्यादा लोग बताते हैं कि आप जूस वाली डाइट में चले जाइए 3 से 4 दिन के लिए या 10 से 15 दिन के लिए। जब वो उस टाइप पे जाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं फैंसी डाइटों में कि 3 दिन सिर्फ लिक्विड वाटर में रहना है, और बहुत सारी ऐसी फैंसी डाइट अब यूज हो रही है लीवर क्लींजिंग के लिए। इसके बारे में मेरे से सवाल किया जाता है, डॉक्टर पंकज वेलनेस कोच होने के नाते आप क्या सलाह देंगे? मैं कहता हूं कि सब कुछ ज्यादा बैड होता है। अगर सारे दिन आप ड्रिंक पीते हैं तो भी बैड है, ज्यादा पानी पीते हैं तो भी बैड है, सिर्फ आप लिक्विड जूस पीते हैं तो भी, आपको उसको लगातार करने से लिक्विड तो मिला, न्यूट्रिशन तो मिला, वहां पर फाइबर तो मिले, पर आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिला, प्रोटीन नहीं मिला और गुड फैट नहीं मिला, तो बॉडी मास वीक हो जाएगा जिसकी वजह से लीवर को ज्यादा इफेक्ट होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से बढ़ जाएगी। अब जनरली आपको करना कुछ, पर मैं कहूंगा कि आपको सब कुछ मिक्स करके एक जो आपके लिए ज्यादा फायदा हो वो करना चाहिए। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं हल्दी, टर्मिंग बहुत अच्छी चीज है, हल्दी बहुत अच्छी चीज है, जब हल्दी से कई बार आपको फायदा हुआ जरूरी नहीं है लीवर को भी आपको फायदा दे, और हल्दी सुबह उठकर मैंने पी ली तो फिर मैं कुछ भी पी सकता हूं, ये मिथ है। अब जब कभी लीवर साफ हो रहा है तो भी आप बैड चीज ले सकते हैं? नहीं। क्या मैं लीवर क्लींस कर चुका हूं अब अल्कोहल ले सकता हूं? नहीं। जब भी आप अल्कोहल लेते हैं तो इसका इफेक्ट सीधा लीवर पर पड़ता है, और लीवर का ही काम है उसके टॉक्सिन्स को निकालना और उसको बचाना, और फिर उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए शराब बहुत अच्छी चीज नहीं है, अल्कोहल हमेशा कम मात्रा में लेना चाहिए, पर आप एडिक्ट हो चुके हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंड है कि आप एक बियर कैन और 30 ml अल्कोहल, और अगर वाइन की बात कर रहे हैं तो ओनली 30 ml। वुमेन के लिए 1 ड्रिंक और फीमेल के लिए मैं कहूंगा हाफ, और हफ्ते में 3 दिन तो पीनी है या 4 दिन पीनी है, 3 दिन नहीं पीनी। और अगर आप बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हैं, मैं कहता हूं पीना अच्छा है ही नहीं, पीनी ही नहीं चाहिए, और इस लिमिट में पी रहे हैं तो ठीक है, पर नहीं पीनी चाहिए। अगर छोड़ सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। आप फैट अगर ज्यादा खाएंगे तो फैट को भी पचाने के लिए लीवर का काम है, तो ज्यादा से ज्यादा वाइसल फैट जो पेट में चारों तरफ आपका छल्ला नुमा बन जाता है उसको बनने ना दें, इससे लीवर फैटी होने के चांसेस कई गुना और बढ़ जाते हैं। और मैं कहूंगा सैर करें, खाने का ध्यान रखें, खाने के भोजन में आधा घंटा पहले आधे घंटे बाद तक कोई लिक्विड ना लें, खाने को पचने का मौका दें, अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिव करें। आप ये भी ध्यान रखें, अगर आप किसी भी इंजेक्शन को ले रहे हैं, किसी टैटू को बनवा रहे हैं और कुछ सेक्स कर रहे हैं बाहर, तो भी ध्यान रखेंगे कि आपको कोई ऐसी कोई बीमारी ना हो जाए, क्योंकि लीवर क्लींजिंग में लोग बोलते हैं कि मैंने तो इंजेक्शन लीवर का लगवा लिया है, हेपेटाइटिस का लगवा लिया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये एक मिथ है। आपको अपनी वैक्सीन को लगवाने के बाद भी अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, क्योंकि बी और सी बहुत डेंजरस है जब अगर आपको हो जाएगा हेपेटाइटिस, और सी का इलाज बहुत अच्छा नहीं है आज भी, हेपेटाइटिस सी का, बी का इलाज तो फिर भी है, सी का नहीं है, तो अपने आप को सेफ रखें, डिटॉक्स करें। तो मिक्स करके सिंगल एक पर नहीं रहें, सिर्फ जूस नहीं पियेंगे, सिर्फ जूस पीकर 15 दिन रहना लीवर डिटॉक्स करना मेरे लिए, मेरे एक सोच से अच्छा नहीं है, हेल्दी से नहीं है। और कई बार बोलते हैं, मेरे से पूछते हैं क्या मैं एप्पल साइडर बिगिनर ले सकता हूँ, अच्छा जरूर है पर उससे ही लीवर ठीक होगा, ऐसा मैंने नहीं सुना। और कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि मिल्क थीसर ले लूं, मिल्क थीसर मिल्क के नाम से दूध की से बनी हुई, ऐसा मत समझ लेना, एक सप्लीमेंट है, बहुत अच्छा काम करता है लीवर पे, पर मैं कह सकता हूं कि क्लींजिंग करने के लिए नेचर के पास आकर करें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं, मैं अगली बार उन सब क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने के लिए तैयार रहूंगा और आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। और जो भी लीवर क्लींजिंग करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपके क्वेश्चन रह गए हैं तो नीचे आप लिखकर जरूर। थैंक यू सो मच।